देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज और मैं हूं अभिषेक कुमार आपके साथ। दर्शकों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं झाझा नगर परिषद के 20 नंबर वार्ड की स्थिति। मांझी टोला का स्थिति दिखा रहे हैं। आज कल से छठ पूजा का पर्व स्टार्ट हो रहा है और छठ पूजा बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण और आस्था वाला पर्व है और ये इस पर्व को लोग मनाते हैं बहुत ही आस्था के साथ और इसमें साफ सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है साफ सफाई। ऐसे में आप देख सकते हैं कि झाझा नगर परिषद के 20 नंबर वार्ड कमिश्नर या फिर झाझा नगर परिषद के चेयरमैन हो या नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, आप किसे दोषी मानेंगे? झाझा में जो इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, झाझा के हर एक वार्ड को साफ सफाई कर दिया गया है लेकिन 20 नंबर वार्ड के मांझी टोला में अब तक साफ सफाई नहीं किया गया, आप किसे दोषी मानेंगे? वार्ड कमिश्नर को या चेयरमैन को या नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को? आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं मांझी टोला में कैसा स्थिति बना हुआ है। ऐसे में कैसे छठ पूजा मनाया जाएगा? गंदगियों के बीच में मांझी टोला क्या छठ पर्व मनाएंगे? आपको हम दिखाने जा रहे हैं यहाँ का नजारा। छठ पर्व में कल कद्दू भात है, कद्दू भात से पर्व स्टार्ट हो जाता है। अब वैसे परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि छठ पूजा में जो यूज होने वाली लकड़ियां है वो कहाँ रखा हुआ है, किस परिस्थिति में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि लोगों के पास जगह नहीं होने के वजह से देखिए लकड़ी कहाँ रखा हुआ है। दर्शकों, आप देख सकते हैं इस तरह का भेदभाव जब तक खत्म नहीं किया जाएगा पूरे झाझा नगर परिषद का संपूर्ण विकास कभी नहीं हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि मांझी टोला में अब तक साफ सफाई नहीं किया गया है। आपसे पूछना चाहते हैं, साफ सफाई अब तक क्यों नहीं किया गया? 3 साल से पड़ा है डस्ट में। 3 साल से पड़ा हुआ है। हाँ। अभी तक कूड़ा नहीं फेंका गया यहाँ से, या तो साफ नहीं हुआ। कैसे आप लोग छठ पूजा मनाइएगा ये गंदगी के बीच में? दूधों का भी शादी हो गया तो ये उसी में सब टका हुआ, अभी तक न साफ कर रहा। तो नगर परिषद के तरफ से कोई नहीं आया? कोई नहीं आता। पैसा इतना दीजिए तब हम करेंगे काम। कौन पैसा मांगता है? जो नगर पंचायत में जो आता है ठेकेदार, वो लोग आता है, वही लोग मांगता है। ठेकेदार लोग पैसा मांगता है? कहता है पैसा दो तब साफ करेंगे। इसको दो पैसा, जो काम करने आता है उसको पैसा दो। नगर पालिका वाला क्या नाम है वो ठेकेदार का जो बोलता है?